दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना मोबाइल फोन से ही उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पीएफ का पैसा किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ का पैसा निकासी करना काफी ज्यादा ईजी और काफी ज्यादा सिंपल होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका उमंग एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, देन आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी उमंग एप्लीकेशन का होम पेज होता है वो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के जितना सारा सर्विस यहाँ पे है उसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी ईपीएफओ का काम होता है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पे सर्विस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उमंग एप्लीकेशन में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट कर हो जाता है तो आपको अपना अकाउंट में लॉगिन हो करके तभी आप कोई भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अकाउंट में क्रिएट करने के लिए या फिर लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का एक आइकन नजर आता होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेलकम टू उमंग नजर आता होगा, यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन पेज खुलकर आ जाता है। अगर आपने पहले से ही उमंग एप्लीकेशन अपना अकाउंट क्रिएट करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एम पिन यहाँ पे डाल करके लॉगिन पे क्लिक करके फाइनली अपना अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। या तो फिर अगर आप नया यूजर है अभी तक उमंग एप्लीकेशन का अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं, अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप सबमिट कीजिएगा, देन आपको एम पिन यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आप इस एप्लीकेशन का एम पिन रखना चाहते हैं वो एम पिन डाल करके सबमिट कीजिएगा, तो फाइनली आपका उमंग एप्लीकेशन का जो अकाउंट होता है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। देन आपको लॉगिन पर आपको आना है, लॉगिन पेज पर आ जाना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन जो भी आपका एम पिन होता है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर बाय चांस आप पहले से अकाउंट बना करके रखे थे एम पिन भूल चुके हैं और तो फिर इस कंडीशन में आपको एम पिन को फॉरगेट करना होगा, उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉरगेट एम पिन का भी ऑप्शन मिल जाता है तो इस पर क्लिक करके अपना एम पिन को फॉरगेट कर लीजिएगा, नया एम पिन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन का माध्यम से जो भी काम होता है वो अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईपीएफओ का काम करना है, उसके लिए नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस का, तो आपको सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पे देखिए ईपीएफओ वाला सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए या फिर व्यू ऑल सर्विस है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे काफी सारा सर्विस यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल आपको ईपीएफओ वाला सेक्शन में जाना होगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट के अनुसार है, तो ई वाला सेक्शन में आपको आना होगा। तो यहाँ पे नीचे जब आइएगा तो यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ईपीएफओ का, इस पर क्लिक कीजिए। या फिर सिंपल से एक तरीका बता देता हूँ, होम पेज पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ, इतना टाइप करके और आप सर्च कीजिए। तो जैसे सर्च कीजिएगा उसके बाद नीचे ही देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, डिपार्टमेंट के नीचे ही आप नजर आता होगा ईपीएफओ, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से ईपीएफओ का काम होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाता है, ऑप्शन उसका मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपका फॉर्म 31 हो, 19 हो या 10 से हो, सब यहाँ पे फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। क्लेम करने के बाद जो स्टेटस होता है उसे भी यहाँ से टैग कर सकते हैं, यूएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, काफी सारे यहाँ पे काम है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे पीएफ का पैसा किस प्रकार से निकासी करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है रेज क्लेम का, तो आपको रेज क्लेम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना है और यहाँ पे पीएफ अकाउंट लॉगिन होने के लिए यहाँ पे पासवर्ड वगैरह इंटर करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, केवल आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है जो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है गेट ओटीपी का, तो आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ ऊपर में ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर ओटीपी वाला सेक्शन में आकर के आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेंबर का डिटेल होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका केवाईसी डिटेल होता है, जो भी आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट होगा, जैसे और जो भी आपका आईएफएससी कोड वगैरह होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो पहला स्टेप यहाँ से शुरू हो जाता है, केवाईसी डिटेल में जो भी आपका बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सबसे पहला इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप खुलकर आ जाता है सर्विस डिटेल का। तो सर्विस डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होता है, कौन सा मेंबर आईडी से आप यहाँ पे पैसा निकासी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में एक ही मेंबर आईडी है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है। तो यहाँ पे मेंबर आईडी पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक ही मेंबर आईडी है जिसकी वजह से दूसरा मेंबर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एडवांस का पैसा निकासी करना चाहते हैं तो जिस भी मेंबर आईडी से आप पैसा निकासी करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रेजेंट मेंबर आईडी होगा वो ऑटोमेटिक यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मेंबर आईडी मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहां पे जो भी आपका डिटेल होता है नीचे वो यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह यहां पे शो हो जाता है। नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप यहां पे खुलकर आ जाता है। तीसरा स्टेप में जनरली यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना होगा, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे दे दीजिए। एड्रेस में लोकेशन में आना है, जो भी आपका विलेज का नाम होगा वो दे देना है, स्ट्रीट का नाम होगा वो दे देना है। यहाँ से आपको स्टेट पर क्लिक करना है, जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको सिटी का नाम दे देना है, देन आपको जो भी एरिया पिन कोड नंबर होगा वो आपको दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्लेम फॉर्म आपको सिलेक्ट करना होगा, आप कौन सा पैसा निकासी करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्म यहाँ पे आप फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं एडवांस का ही पैसा निकासी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 31 यहाँ पर नजर आता होगा। अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं या तो पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपके पहले सबसे पहले आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए और साथ साथ आपको किसी भी कंपनी में काम करते हुए नहीं रहना चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म 19 या फिर 10 से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे केस में केवल फॉर्म 31 ही नजर आता होगा, मैं इसी को केवल अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्म 31 आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप फॉर्म 19 भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म 10 से भरना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उससे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म 31 मैंने सिलेक्ट किया तो एडवांस के तौर पर यहाँ पे मेरे केस में पैसा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद पर्पस आपको सिलेक्ट करना होगा, क्यों निकासी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन है, तो बेसिकली यहाँ पे इनलेस पारा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है, कितना अमाउंट आप निकासी करना चाहते हैं। कम से कम यहाँ पे 1000 होता है, 1000 से कम अगर निकासी करना चाहेंगे तो नहीं होगा। कम से कम यहाँ पे 1000 आपको फिलअप करना है या तो जितना पैसा निकासी करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे 20000 निकासी करना चाहते हो तो 20000 मैंने यहाँ पे फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, बैंक का पासबुक या फिर कैंसल चेक, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है आपका पीएफ अकाउंट के साथ उसका पासबुक या फिर कैंसल चेक अपलोड कर सकते हैं। साइज की बात करते हो तो यहाँ पे 500 KB के आसपास ले लेगा, एक सिंपल इमेज होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में भी ये सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड आपको क्लिक करना है। देन डायरेक्टली आप अपना मोबाइल फोन से फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरी में अगर आप सेव करके रखे हैं तो चूज फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब जहां भी आप डॉक्यूमेंट रखे होंगे उससे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप करना होता है, आपको एडजस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप का है, इस पर आपको क्लिक करके पूरा का पूरा आपको फुल साइज में आपको इसे रख लेना है, क्रॉप कर लेना है। उसके बाद ऊपर में देखिए क्रॉप का आइकन है, यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका कैंसल चेक होता है या फिर पासबुक होता है वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। जैसे गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी होता है आता है, देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है, या तो फिर एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया हूँ, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली जो आपका क्लेम होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए योर क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ईपीएफओ सेक्शन के होम पेज पे आप आ जाते हैं। तो फिलहाल जो भी आपका पीएफ का एडवांस क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहां से आपका सबमिट हो चुका है। सेम एज अगर आप फॉर्म 19 भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म 10 से भरना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म 19 या फिर 10 से या फिर फॉर्म 31 आपका फिलअप हो जाता है, आप भर लेते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम स्टेटस भी आपको चेकआउट करना होता है। तो स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम, रैज क्लेम के नीचे ही देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आपके पास हो जाता है, देन यहाँ पे क्लेम टैप, यहाँ पे फॉर्म 31 मैंने अप्लाई किया तो फॉर्म 31 यहाँ पे नजर आता होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम आज का ही नजर आ जाता है। उसके बाद स्टेटस में देख सकते हैं अभी नजर आता होगा
ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, उसके बाद जो भी आपका पीएफ ऑफिस होता है वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पीएफ ऑफिस का नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो करीबन यहाँ पे 5 से लेकर 10 दिन आपको वेट करना है, कभी कभी उससे पहले या फिर कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो सकता है, लेकिन बेसिकली 5 से 10 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी आपका पैसा होता है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा जो बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक होता है। तो कुछ इसी प्रकार से उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप अपना पीएफ का एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकासी कर सकते हैं, या फिर फॉर्म 19 या फिर 10 से भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजी था उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ का पैसा निकासी करना, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ा और जो भी पीएफ का वेबसाइट है वहां से भी ये काफी ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।